सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी SBI का बैंक अकाउंट है और आप अपने SBI बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हैं और आपका बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड होता है जिसको हम लोग ATM कार्ड बोलते हैं, अगर आपका भी ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है या कुछ ही दिनों में एक्सपायर होने वाला है, तो आप दोबारा से अपने बैंक अकाउंट का ATM कार्ड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यानी आप किस तरीके से अपने घर पर मंगवाएंगे, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, ATM कार्ड दोबारा से अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। आप बिल्कुल फ्री में अपने ATM कार्ड को अपने पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने घर में रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके लिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फॉर आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन को सही तरीके से ओपन होने देते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तब तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि 99% फ्रेंड्स ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का एमपिन होगा, यानी योनो एप्लीकेशन का एमपिन होगा, आप यहाँ पे अपना एमपिन को एंटर कीजिएगा। और एमपिन एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाएंगे फ्रेंड्स अपने योनो एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ आपको ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ATM डेबिट कार्ड, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड होगा फ्रेंड्स, अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे इंटर कीजिएगा। चलिए अपना प्रोफाइल पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। आपको भी इस तरीके से अपना प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कर लेना होगा और वो आपको इंटर करने के बाद सबमिट पर सिंपल सा क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड और रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट और एक्टिव कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट अकाउंट, आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको अपना अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा नेम ऑन कार्ड, ये बोल रहा है कि आप अपने ATM कार्ड के ऊपर कौन सा नाम को प्रिंट कराना चाहते हैं। आप यहाँ पर कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिनके नाम से अकाउंट है वही नाम देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट द टाइप ऑफ कार्ड, इस पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे तो उस बैंक के जितने भी ब्रांड के कार्ड होंगे फ्रेंड्स वो सभी का नाम शो हो जाएगा। इनमें से आपको देख लेना है कि आपके पास पहले से कौन सा कार्ड है, अगर वो कार्ड एक्सपायर नहीं हुआ है तो आपको वो कार्ड अप्लाई नहीं करना है, आपको कोई दूसरा ही इसमें से कार्ड को अप्लाई करना है। चलिए मैं यहाँ पर रुपया क्लासिक को ले लेता हूँ क्योंकि वीजा क्लासिक मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस का, आपको सिंपल से एड्रेस पर चेक मार्क कर लेना है, यानी टिक कर लेना है। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक बॉक्स दिखेगा आई हैव रीड ए अंडरस्टैंड, आपको इस बॉक्स पर चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू ATM कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, मात्र 3 या 4 दिन में आपके घर पर आपके ATM कार्ड को पहुँचा दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने योनो एप्लीकेशन को यूज करके आप दोबारा से न्यू ATM कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।